नमस्कार दोस्तों, आपकी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मसाला आलू, जो कि झटपट से बन जाते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 4 उबले हुए आलू, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम इन्हें काट लेंगे। तो टमाटर हरी मिर्च को मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिया है और आलूओं को मैंने छील के मोटा मोटा काट लिया है। तो अब हमने अपनी कढ़ाई जो है गर्म उन्हें रख दी है। अब हम इसके अंदर अपन ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है, लगभग 3 चम्मच। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। और इसे अच्छे से गर्म करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सरसों के दाने। मैंने 1 चम्मच सरसों लिए और साथ ही में मैंने इसमें डाले हैं थोड़े से मेथी दाने। मेथी दाने अच्छे लगते हैं सब्ज़ी के साथ खाने में, सरसों के। तो ज़्यादा ना डालें, नहीं सब्ज़ी कड़वी हो जाएगी। ये देखिए पक चुके हैं। अब हम इसमें अपने टमाटर डाल देंगे। ये टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा चलाएँगे इसको। अब हम फिर हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते, लगभग 4 से 5 कड़ी पत्ते। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे। अब डालेंगे हम इसके अंदर हींग। ये देखिए लगभग आधा चम्मच हींग डाल दिए हमने। हींग से फ्रेंड्स स्वाद अच्छा आता है, उसे भी मिला लिया है। अब हम डालेंगे अपने मसाले सारे। तो मैंने इसके अंदर डाला है लगभग 2 चम्मच धनिया डाला है, 2 चुटकी हल्दी डाली है और आधा चम्मच लिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर कम इसलिए डाला है क्योंकि मिर्ची मैंने पहले 2 ली थी। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा चलाएंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक। तो नमक यहाँ पे जो है वो स्वाद अनुसार लेना है, लेकिन आलू को हिसाब से लेना है क्योंकि आलू में नमक थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो ये देखिए उसे भी हमने अच्छे से मिला लिया। अब हम मसाला थोड़ा सा सूखने लगा है तो इस वजह से हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा नीचे ना लगे। बस इतना ध्यान रखना है कि मसाला जलना नहीं चाहिए, नहीं तो सब्जी का जो है स्वाद वो ख़राब हो जाएगा। अब हम इसके अंदर अपने जो हमने आलू छील के रखे थे वो डाल देंगे। मसाला हमारा लगभग तैयार हो चुका है और इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो आलूओं पे अच्छे से कोट हो जाए। तो ये देखिए लगभग हमारी सब्जी तैयार है। बस अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। आलू तो हमारे उबले हुए हैं ही और मसाले भी हमारे पक चुके हैं, तो अब हमने इसे 2 मिनट के लिए ढक देना है। तो ये लगभग 2 से 3 मिनट के बाद देखिए हमने खोल दिया है, तो जो हमारा ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है, सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी हमारी तैयार है, आप इसे बना के ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।